जेड़ी तीक्षण सूद वाली है, जिस नीमे दर्जे की भाषा उन्हें साढ़े किसान वीर के खिलाफ बोली सी, साढ़े तो वह बर्दाश्त नहीं की गई। ये नहीं है भी साढ़े परचा क्यों किया, असं कहने असं जो किया शर्म किया, परचा छड़ के सानू फांसियां लाओ, सानू कोई परवाह नहीं इस गल की। गल यह भी 5 साल हो गए गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले वो नहीं लभे इन्हों, जोड़ा एक्शन का क्विक एक्शन सरकार ने इन्नी जल्दी लिया कि एक घंटे के साढ़े घर पुलिस ने जोड़े आ छापे मारने शुरू कर दते। दिल्ली की जी सड़क ये साड़ी यूनिवर्सिटी है गुरु का खालसा, हर बार यूनिवर्सिटी चो चंगे नंबर लैके पास होया, तो हर बार बैरी के दंद जड़े खट्टे किए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला जड़े इस संघर्ष के शहादत पा गए ने, मैं तो शहादत ही कहांगा, दुनिया तो चले गए ने साड़ी खातर, करीब 60 तो ज़्यादा साढ़े किसान वीर दुनिया तो चले गए ने। खालसा जी, शहादत ते खुदकुशी दे विच फर्क की आ, जिहड़ा ये राह आ ये दोनों राह मर्जी नाल चुने जाते ने, इंसान की अपनी मर्जी हुंदी है, खुदकुशी करने वाले की भी ते शहादत देने वाले की मर्जी अपनी हुंदी है। फर्क की आ, फर्क ये है खुदकुशी करने वाला इंसान दुनिया तो तंग आके जिहड़ा अपने आप नूं खत्म करता है, ते शहादत जड़ी है अपने आने वाली नस्लों नूं अपने भविख नूं बचाउण दे लई शहादत जड़ी दित्ती जांदी। शहादत ते खुदकुशी दे विच ए फर्क है। सो जिहड़े साडे वीर शहादतां दे गए ने उहनां नूं सजदा करदे हैं। दूजी गल जिहड़ी तीक्षण सूद वाली है, जिस नीमे दर्जे की भाषा उहने साडे किसान वीरां दे खिलाफ बोली सी, साढ़े तो वह बर्दाश्त नहीं की गई। असी 4-5 नौजवानों ने इकट्ठे हो के जड़ा एक्शन किया, पर तराशदी इस गल की है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई 5 साल हो गए ने, इन्हों मुजरम नहीं लभे। ये नहीं है भी साढ़े तो परचा क्यों किया, असं कहने असं जो किया शर्म किया, परचा छड़ के सानू फांसियां लाओ, सानू कोई परवाह नहीं इस गल की। गल यह भी 5 साल हो गए गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले वो नहीं लभे इन्हों, इस क्विक जोड़ा एक्शन का क्विक एक्शन सरकार ने इन्नी जल्दी लिया कि एक घंटे के साढ़े घर पुलिस ने जोड़े आ छापे मारने शुरू कर दते, पर वो असी घर नहीं सी। तो उस तो बाद जी देखिया 307 लाई है, हासो ही नहीं प्रशासन की भी हुई है कि 307 जी बनती नहीं सी, बाद इन्हों हटाने भी पई है। तो असी जिहड़ा साढ़े इत्थे वीरां ने धन्नवादी इन्हां दे भारतीय किसान यूनियन दुआबा दे वीर मनजीत राय होनी, सतनाम सानी जी, हरभजन सिंह होनी, गुरपाल पाला जी साथियों के, खास करके जिहड़ियां 31 जथेबंदियां इत्थों इन्हां ने दिल्ली दे उत्तों ऐलान किया कि जे परचे रद्द ना होणगे तो असी उत्थे जिहड़ा मुजाहरा करांगे। एक रात नूं 9 बजे इत्थों ऐलान हुंदा, तो सवेरे हज़ारों की गिणती दे विच उत्थे हजूम इकट्ठा हो जाता, तो प्रशासन जिहड़ियां भाजड़ां पाईआं, साडे लोकल जिहड़े उत्थे रहिंदे ने वीर जंगवीर जी होणी, दुआबा किसान कमेटी, वीर अमरजीत सिंह होणी, लोक भलाई इंसाफ वैलफेयर सोसायटी तों सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी, सारिआं दे असीं दिलों धन्नवादी हैं। मैं एक दो गल्लां जिहड़ियां इह कहिणियां चाहुंदा कि सरकार नूं इह भुलेखा होएगा कि इत्थे असीं सड़कां ते बैठे हाँ, तो हक जिहड़े आ सरकार ने सानू देने नहीं, सानू लैने आउंदे आ। जे असी हक लैने जाणदे आ, सड़कां ते बैठना जाणदे आ, उहनां दे दिमाग विच इह आ वी इह बेले बैठे ने, जिहड़ी उहनां ने पिकनिक दी गल कीती सी। असी इह गल कहिणी चाहुंदे आ कि सानू फड़ो, जेली डको, सानू कोई इतराज़ नहीं है, पर जिहड़े उकसाउण दे लई जिन्हां ने बयानबाजी कीती, जिन्हें सानू मजबूर कीता इस गल लई, उहदे घर दे अगे गोहे की ट्राली सिटण दे लई, उहनां ते क्यों कोई एक्शन नहीं, क्यों कोई पर्चा नहीं। सानू ये जिहड़ियां जेलां ने, ठाणे ने, जां दिल्ली दी जिहड़ी ये सड़क आ, ये साडी यूनिवर्सिटी है गुरु का खालसा,
हर बार यूनिवर्सिटी चो चंगे नंबर लैके पास होया ते हर बार बैरी दे दंद जड़े खट्टे कीते है। साड़ी यूनिवर्सिटी सरहंद भी रही है, साड़ी यूनिवर्सिटी चमकौर की गढ़ी भी रही है, हुण साड़ी यूनिवर्सिटी जड़ी है दिल्ली की सड़क है, असी इत्थों भी चंगे नंबर लैके पास होवांगे। एक इतिहास की गल करके मैं खिमा दा जाचक होवांगा, शायद मोदी दे दिमाग विच इह भुलेखा होवेगा कि मैं जड़े बिल वापस नहीं लैने, इन्हां नूं कश्मीर वांग धारा 370 लगाई तां कोई ना बोलिया, CAA NPR NCR जड़ा लागू किया तां कोई ना बोलिया, इन्हें पहले GST लैंदा नोटबंदी की तां कोई ना बोलिया। मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि तेरा पाला जड़ा होना है वो पंजाब नाल पिया, ये कश्मीर नहीं है कि चुप बैठेगा जां होर दूजी तीजी स्टेट नहीं है। इतिहास की एक गल होर कहनी चाहुंदा, ये सानू सड़कां ते बैठिया नूं ये गल कह रहा कि बिल बहुत वधिया तुसीं घरां नूं चले जाओ असीं बिल वापस ले लैंदे हां। ये काम अब्दाली ने भी साथ ना किया, 700 साल राज करने वाले मुगल हुकूमत की जे किसी ने जड़ हिलाई है तो वह पंजाब है। उस तो बाद गोरिया की सरकार जिन्हों का अपने राज दे विच सूरज नहीं डुबदा सी उन्हां दी जड़ पट्टी है तो वह पंजाब है। सत श्री अकाल। उन्हां दी जड़ पट्टन वाला पंजाब है। अब्दाली ने यह सोचा सी कि मैं इन्हां नूं दबा लवांगा कुचल देवांगा, उन्हें बहुत सारे हमले भी किए साढ़े ते, पर वह इन्ना अंदरों मानसिक तौर के उत्ते कमजोर हो गया सी हमले कर करके। उन्हें अपना एक नुमाइंदा भेजा, जदों उन्हें सिखां दी कतलोगात की है 50,000 कौम के 15,000 से बची है, बाकी कतलोगात हो चुकी है। ठीक उस समय उन्हें अपना नुमाइंदा भेजा भी सिखो असी बहुत लड़ लिया, आओ हुण समझौता करिए। सिखां ने नुमाइंदियां ने उन्होंने उस टाइम अब्दाली के उस नुमाइंदे ये कह के भेजा सी कि मलबियां के ढेर के उत्ते खड़ के जड़े आ समझौते नहीं होंगे, अब्दाली नूं जाके कह दे तू चल असी आए खड़े। ठीक 1.5 महीने बाद जदों गुरु की खालसा फौज अब्दाली दे नाल लड़न दे लई पहुंची है, पूरा दिन गह गह च लड़ाई हुई है। लड़ाई होने तो बाद जेड़ा भी सिंह जिथे अपनी कृपान रख के बंद हुई है, जिथे उन्हें कृपान लड़ रहा सी उत्थे कृपान रख के सौ गया भी सवेर नूं जंग जड़ी है इत्थों शुरू करांगे। दूसरे दिन सवेर चढ़दी है, हुंदा की है अब्दाली जेड़ा अंदरों मानसिक तौर पर हार चुकिया, वह अपनियां फौजां लैके जा चुकिया हुंदा, मैदान वेला हुंदा। ते मैं मोदी नूं भी यह गल कहनी चाहुंदा, मत सोच भी ये इतों बैठे घरों चल जाएंगे, आ साड़ी ट्राली जी इतने पिछे खड़ी है इस तो अगे ही कदम बढ़ने जा साड़ियाँ शहादत हो इस तो पिछे साड़ा कदम एक नहीं बढ़ेगा, कित ना हो अब्दाली वागू तेरी भी इतों जड़ पट्टी जाए, नहीं तो प्रेजेंट इतिहास देख ला। एक मिनट लवागा जी, प्रेजेंट इतिहास देख ला, ना तो बाट के पिछे हटे है, ना पंजाब 65 पिछे हटिया, ना 71 पिछे हटिया, ना 84 पिछे हटे है ये गुरु की फौज, ना कारगिल दे विच हटे है। जे पिछे मुड़ना पेगा तेनू मुड़ना पेगा, अज मुड़ जा कल मुड़ जा दसां सालां नूं 20 सालां नूं मुड़ जा, साढ़े पक्के डेरे आ पर तेरे नासी तूहां करके जावांगे, तेनू लोहे दे चने चबा के जावांगे, एक नूं तेनू वापस लैने पैणगे। सो ज़्यादा ना बोलते हुए कोई वध घट बोल गया वा खिमा दा जा सकिया, एक सत श्री अकाल। एक साढ़े वीर गुरदीप सिंह हुणी जो कि भावें बैंक के मैनेजर ने, उन्होंने एक क्वेंटल बदामा की सेवा जी भेजी आ वह प्रवान करो, इतने असी जंग वीर हुणां नूं दे चले हाँ, उन्हां दी सेवा जी प्रवान होवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।